तो हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ डैम। ठीक है, हमने कल ग्रेविटी डैम के बारे में और कौन कौन सी फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं वो सब स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज देखते हैं मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ अ डैम। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कौन कौन से हमारे जो मेथड्स हैं, कौन कौन से आपके वेज हैं जिसमें एक 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 डैम आपका फेल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है, जो सबसे पहला है, दैट इज बाय ओवर टर्निंग। सेकंड इज बाय बाय टेंसाइल क्रैक्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपका जो डैम होगा, डैम है, इट इज मेड अप ऑफ कंक्रीट, और कंक्रीट आपको पता है क्या है, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है ना, तो उसमें टेंसाइल क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एंड द थर्ड इज शियर और स्लाइडिंग फेलियर। ठीक है, कुछ बुक्स में एक और मेथड दिया गया है, दैट इज क्रशिंग और कंप्रेशन फेलियर, बट उसको एक्सप्लेन उन्होंने टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंदर ही किया है। ठीक है, क्रशिंग और कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन इसको टेंसाइल स्ट्रेस वाले उसी में किया गया। ठीक है, तो कुछ बुक्स में 3 मेथड दिए हैं, कुछ में 4 दिए हैं। ठीक है, तो ये आगे आपके जो कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें जिसमें एक डैम एक फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको स्टडी करते हैं, एक एक करके करते हैं स्टडी। ठीक है, सबसे पहला आ गया मेथड हमारा, फर्स्ट इज ओवर टर्निंग फेलियर। ठीक है, यह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जनरल सा केस है, बड़ा आपको पता भी होगा, राइट? ओवरटर्न कब करेगा डैम? एक डैम ओवरटर्न कब करेगा? सर जब उसकी स्टेबिलिटी चैलेंज हो गई। हाँ देखो, हाँ स्टेबिलिटी तो होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेकिन कब करेगा? ऐसी कैसी ऐसी कौन सी कंडीशन डेवलप कर जाएगी जिसके कारण फेल करे, जिसके कारण ओवरटर्न करेगा? सब जब उसमें वो पाइपिंग कंडीशन बनेगी सीपेज वाली नहीं, देखो पानी मैं के बताता हूँ क्या लेवल होगा। ज्यादा हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज अ डैम, एंड ये आ गया इसमें रेजरवायर, इसमें आपको पानी भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ रेजरवायर। ठीक है, ये पोर्शन कौन सा आ गया? दिस इज योर हील, एंड तो दिस इज योर हील एंड दिस इज योर टो। ठीक है, अब इस डैम के ऊपर, इस कंडीशन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, कोई बता सकता है? इस कंडीशन में कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर? एक तो जो रेजर्वायर भरा हुआ है, तो जो वाटर प्रेशर होगा वो एक्ट करेगा, राइट? वाटर प्रेशर होगा वो एक्ट करेगा। लेट सपोज वेव्स चल रही हैं, वो भी एक्ट करेंगी, मतलब वाटर प्रेशर भी इस तरफ एक्ट कर रहा है, वेव्स आएंगी वो भी इस तरफ एक्ट करेंगी, मतलब जितनी भी डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस होंगी, ध्यान से सुनना, जितनी भी डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस होंगी वो क्या एक्ट करेंगी, फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, फ्रॉम डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, राइट? तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेट सपोज ये लग रही है कौन सी आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दिस इज समेशन एच। ठीक है, दिस इज समेशन एच,
ठीक है, क्लियर है चीज। मतलब ये सारी वो फोर्सेस हैं जो डैम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये सब वो फोर्स समेशन एच, वो सब फोर्सेस हैं जो डैम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, राइट। मतलब ये डैम को टो के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब इनको रजिस्ट कौन करेगा, इनको रजिस्ट कौन करेगा, इन फोर्सेस को रजिस्टिंग फोर्स कौन सी होगी, स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सी होगी डैम में, कल पढ़ा था हमने स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सी है। टू वाली साइड जो होती नहीं, स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सी, कल हमने पढ़ा था उन्होंने अलग अलग मोड्स पर। सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, सीधी सी बात है, एक ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम स्टेबिलिटी किस फोर्स की वजह से एक्वायर करता है, बिकॉज ऑफ इट सेल्फ वेट। तो दैट मींस अब और सेल्फ वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट सपोज दिस इज योर, दिस इज योर समेशन वी, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो समेशन एच है, जो समेशन एच है, समेशन एच है, वो डैम को क्या कर रहा है, डैम को टो के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखा जाए तो आपका आपका जो ये डैम के टो के अबाउट, टो के अबाउट, लेट सपोज दिस इज डिस्टेंस, ये कहा होगा डिस्टेंस, लेट सपोज जो भी एच, एच डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है एच, मतलब यहां पे अब, यहां पे अब आपका ओवर टर्निंग मोमेंट जनरेट होगा, ओवर टर्निंग मोमेंट इसके बराबर समेशन एच इनटू एच, कैपिटल एच, राइट राइट। ये क्या कर रहा है आपके, आपके डैम को, आपके डैम को टो के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है। वहीं वहीं जो आपकी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, वहीं जहां आपकी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, लेट सपोज ये डिस्टेंस है आपका फ्रॉम हेयर अप टू पॉइंट अप टू योर टो, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज एक्स, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो आपका जो आपका रीस्टोरिंग मोमेंट, ये क्या कर रहा है, इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन लाने की कोशिश कर रहा है, रीस्टोरिंग मोमेंट, रीस्टोरिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, समेशन वी इंटू एक्स, समेशन वी इंटू एक्स। तो ध्यान से देखा जाए, अब ये वी, दिस वी फोर्स नीचे की तरफ और ये आगे एक्स डिस्टेंस, अब ये कैसा मोमेंट जनरेट करेगा, ये टो के अबाउट मोमेंट जनरेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एक क्या कर रहा है, एक ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है और एक रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक आपका रीस्टोरिंग मोमेंट, जब तक आपका रीस्टोरिंग मोमेंट ओवरटर्निंग मोमेंट से बड़ा है, जब तक रीस्टोरिंग मोमेंट ओवरटर्निंग मोमेंट से ज्यादा है, तब तक आपका डैम क्या होगा, ओवरटर्न नहीं करेगा, ठीक है, तब तक आपका डैम जो है ओवरटर्न नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपकी समेशन एच है, जो समेशन एच है, इट इज द सम ऑफ ऑल द horizontal horizontal forces, या फिर इसको मैं destabilizing forces बोल देता हूँ, या फिर इसको मैं destabilizing destabilizing stabilizing destabilizing forces and and समेशन वी, ये आ गया आपका समेशन वी इज सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, ये हम इसको हम
रीस्टोरिंग फोर्सेस भी बोल सकते हैं। राइट, डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या करेंगी, ओवरटर्निंग मोमेंट जनरेट करेंगी, और रीस्टोरिंग मोमेंट क्या करेंगी, रीस्टोरिंग मोमेंट जनरेट करेंगी। राइट, तो फॉर फॉर नो ओवरटर्निंग, फॉर नो ओवर टर्निंग, नो ओवर टर्निंग, आपका जो रीस्टोरिंग मोमेंट है, रीस्टोरिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन योर ओवर टर्निंग मोमेंट, शुड बी ग्रेटर देन योर ओवर टर्निंग मोमेंट। राइट, क्लियर ये चीज। राइट, लेट सपोज मैं ओवर टर्निंग मोमेंट को, सॉरी रीस्टोरिंग मोमेंट को एम आर से डिनोट करता हूँ, और ओवर टर्निंग मोमेंट को, ओवर टर्निंग इसको समेशन एम आर लिख लेते हैं। ये आ गया आपका ओवर रिस्टोरिंग मोमेंट, और समेशन एम ओ आ गया आपका ओवर टर्निंग मोमेंट। ठीक है, तो दैट मींस अब मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, वन के बराबर नहीं होगा, वन के बराबर एम ओ सर, ग्रेटर देन एम आर बाय एम ओ, एम आर बाय एम ओ, बिल्कुल सही, समेशन एम आर बाय समेशन एम ओ, एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन, हो गया क्रिटिकल कंडीशन, वन इज योर क्रिटिकल कंडीशन, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ओ एस इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ध्यान रखना, इट्स मिनिमम वैल्यू शुड बी 1.5, मिनिमम वैल्यू शुड बी 1.5। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा जो आपका रीस्टोरिंग मोमेंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन योर ओवरटर्निंग मोमेंट। ठीक है, तो समेशन एम आर अपॉन समेशन एम ओ आ गया आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, विच शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, दैट हैज बीन रिकमेंडेड एज 1.5, दैट हैज बीन रिकमेंडेड एज 1.5। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट फेलियर पे चलते हैं, नेक्स्ट मोड ऑफ फेलियर पे चलते हैं, दैट इज सेकंड इज टेंसाइल फेलियर, और इसी में हम पढ़ेंगे आपका कंप्रेशन फेलियर भी, इसी में पढ़ेंगे कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, क्लियर चीज। चलिए अब बात करते हैं आपकी टेंसाइल फेलियर की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो इसमें टेंसाइल फेलियर कंप्रेशन फेलियर कब होगा, जब आपका रिजर्वायर फुल कंडीशन होगी, रिजर्वायर फुल मतलब जब आपके डैम में, जब आपके रिजर्वायर में पानी आपका फुल कैपेसिटी में है। ठीक है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा इसमें सॉम यूज होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा सॉम यूज होगा आपके जो कंबाइंड स्ट्रेसेस है। ठीक है, वो वाला थोड़ा सा टॉपिक यूज होगा यहाँ पे, जो इसेंट्रिसिटी निकालते थे, याद है इसेंट्रिसिटी, आपकी जो रेक्टेंगुलर कर्न बनता था, कर्न बनता है रेक्टेंगुलर सर, उसके लिए बॉडी के लिए, स्क्वायर बॉडी के लिए, याद है वो चीज, हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए आपका इसेंट्रिसिटी कितनी होती थी, याद है किसी को, अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आए, टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेसेस, आपका इसेंट्रिसिटी
कितनी लेते थे? 100 में आपने यार। चलो देखते हैं यहाँ पे। Let's suppose this is your dam, this is your dam, ठीक है, clear है चीज। अब हम तो सिर्फ section ले रहे हैं, हम तो सिर्फ section ले रहे हैं। actual में तो ये ऐसे आपका ऐसे extend करेगा। actual में तो ये आपका dam along the length extend करेगा, right? So that means अगर इसका मैं प्लान ड्रॉ करूं, अगर इसका मैं प्लान ड्रॉ करूं, वो कुछ इस तरीके का होगा। बी विड्थ ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होगा आपका अगर मैं इसका एक प्लान ड्रॉ करूं। और ये आगे इसकी वाई एक्सिस, और ये आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको वाई लो, उसको एक्स लो, जो भी आप ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो लेट्स सपोज जब आपका डैम रिजर्वायर फुल कंडीशन में होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा आपका, एक आएगी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एक आएगी आपकी क्या वर्टिकल फोर्सेस, राइट। दिस इज योर summation h and this is your summation v, ठीक है। एक horizontal force लग रही है और एक क्या लग रही है आपकी, एक लग रही है आपकी vertical force, right? अब देखो आपकी same point पे दो forces act कर रही है, दोनों point से कहाँ से act करेंगी, CG से। तो that means इनका कुछ resultant भी होगा, इन दोनों forces का कुछ resultant भी होगा। तो let's suppose this is the resultant, ये आ गया इन फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है। लेट्स सपोज इसको ले लो v, इसको r ले लो, ठीक है। इसको ले लो r एंड इट पासिस। अब देखो ये सेंटर से तो पास कर नहीं रहा। Let's suppose it passes at a distance. क्या आ गया? Distance ले लो e. It passes at a distance. Suppose it passes at a distance e from the center. Right? Clear it is. That means ये क्या आ गई हमारी? एक आ गई rectangular body आ गई, जिसके ऊपर आपका ये आपका
फोर्स एक्ट कर रही है, आपकी फोर्स एक्ट कर रही है एट एसेंट्रिसिटी ऑफ ई, ठीक है। तो लेट सपोज हमारा हमारी जो इसकी विड्थ है, जो आपकी डैम की जो विड्थ है, दैट इज बी एंड एल इज द लेंथ, जो कि हम जनरली जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसको वन लेके एनालाइज करेंगे, यूनिट लेंथ के लिए हम एनालाइज करते हैं। लेट सपोज दिस इज लेंथ एल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपकी, ये ई पॉइंट है, राइट। यहाँ पे आपकी जो फोर्सेस है, इट अ पासिंग एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ ई, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस की बात करूं, देखो वो भी आपकी सेंटर से तो पास कर नहीं रही। वर्टिकल फोर्सेस भी क्या है आपकी, इट इज पासिंग एट सम इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। तो लेट सपोज मैं उस इसेंट्रिसिटी को भी ई लेता हूँ, ठीक है, जहां से आपकी वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रही है, लेट सपोज उसको मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज सेम यही फिगर उसके लेते हैं, लेट सपोज ये फोर्स ले लो समेशन वी, ये पॉइंट है समेशन वी, राइट। अब आपने सॉम में पढ़ा होगा यार, कंबाइंड स्ट्रेसेस वाला टॉपिक, आपने सॉम में कंबाइंड स्ट्रेसेस वाला टॉपिक पढ़ा होगा, राइट। तो इस अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे, जैसे हम कॉलम की बात करें, एक किसी इसेंट्रिक पोजिशन पे लगती है, तो उसके कारण कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो बता सकते हैं मेरे को, पढ़ा होगा सॉम में आपने यार, कोई तो होगा बेंडिंग। हाँ देखो, दो टाइप के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। एक होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। तो मतलब जो रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये समेशन मैक्स सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम, इट इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस योर बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन करता है, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, इट कैन कॉज कंप्रेशन और इट कैन कॉज टेंशन, ठीक है ना। तो एक एक करके दोनों को एनालाइज करते हैं। तो लेट सपोज आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा डी, वो क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सीधी सी बात है, डायरेक्ट स्ट्रेस का कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती, इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारी फोर्स कौन सी है, इस वक्त समेशन वी की बात कर रहे हैं, तो समेशन वी अगर फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बी इंटू एल, एरिया तो यही है बी इंटू एल, लेकिन एल को हम वन कंसिडर करते हैं, तो इसको ले लेंगे वन, तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया मेरा समेशन बी अपॉन बी, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं निकालने में, ये तो सिंपल निकलता। अब बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, बेंडिंग इक्वेशन याद है सबको, बेंडिंग इक्वेशन, हाँ हाँ बिल्कुल, बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा वाई एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर, यस राइट, सिग्मा यार मेरा एकदम रापची, ठीक है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है। जहां पे ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इज योर बेंडिंग स्ट्रेस, सो दैट मींस सिग्मा बी की अगर वैल्यू निकालनी हो, वो किसके बराबर आएगी, एम by I into y into y, right, clear, where y is the maximum eccentricity, ठीक है। तो अब अगर यहां पे हम बात करें, अब मेरा इस वर्टिकल फोर्स की वजह से मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है अबाउट द सेंटर,
इस वर्टिकल फोर्स की वजह से मेरा सेंटर के अबाउट मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है? मोमेंट क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समेशन वी इनटू ई, दिस इज माय मोमेंट, सिंपल सी बात है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो समेशन वी इनटू ई, राइट। अब बात करते हैं आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? अब आप मेरी 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 हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ? b cube upon 12, सॉरी, बिल्कुल सही, b cube upon 12। देखो आप, अब आप इसेंट्रिसिटी कौन से एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, मुझे ये बताओ, आप इसेंट्रिसिटी कौन से एक्सिस के अबाउट चेक कर रहे हो? उसका हम क्यूब लेते हैं, आपका रेक्टेंगुलर बॉडी का वो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी डी क्यूब बाय 12 या बी क्यूब डी बाय 12, राइट, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एक्सिस कंसिडर कर रहे हो। हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी ले रहे हैं, दैट मीन्स हमारा हमारा जो moment of inertia होगा that will be b cube l by 12, क्योंकि हमारा axis b को cut कर रहा है, हमारा axis b side को cut कर रहा है, तो cube भी हम b का लेंगे, ठीक है ना। अब l हमारा 1 है, तो moment of inertia बन गया b cube by 12, b cube by 12, right, and y max क्या आ गया, y max is maximum eccentricity, is maximum eccentricity, तो e की maximum value कितनी हो सकती है यहां से लेके यहां तक, e की maximum value कितनी हो सकती है, from this point to b by 2, from this point to, right, तो y max is equal to b by 2, ठीक है, right, clear है। तो हमें अब हमें m भी मिल गया, i भी मिल गया और y max भी मिल गया, तो यहां से अब मैं सिग्मा b निकाल सकता हूं, सिग्मा b किसके बराबर आएगा, सिग्मा b इज इक्वल टू m आ गया मेरा समेशन v बाय v इनटू e अपॉन i के आ गया मेरा b क्यूब बाय 12 इनटू y max क्या आ गया b बाय 2, b बाय 2, राइट, तो 12 ऊपर जाएगा तो ये 2 और 2 से कट जाएगा आपका 6 हो जाएगा, एक b और b स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया आपका 6 समेशन v इनटू e अपॉन b स्क्वायर, यही बनेगा, राइट, यही बनेगा, क्योंकि 12 ऊपर जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक b से b क्यूब में से एक b कट जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर, बचेगा b स्क्वायर, तो दैट मींस ध्यान से देखना, दैट मींस माय सिग्मा मैक्स और मिनिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा d प्लस माइनस सिग्मा b, राइट, तो सिग्मा d आ गया मेरा समेशन v बाय b प्लस माइनस समेशन v into e, sorry, 6 summation v into e upon b square, right, clear ये चीज, clear है ये चीज, right, अब हम देखेंगे आपका maximum और minimum stress कहाँ generate हो रहा है, ठीक है, next बात करेंगे, अब बात करेंगे हम maximum और minimum stresses की, ठीक है, देखो अब यहां से हमारा कॉमन क्या क्या आ सकता है, समेशन वी कॉमन आ सकता है, इधर भी है समेशन वी, और एक बी भी कॉमन आ जाएगा, बी ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस क्या बचा, 6 बचा, ई बचा और 6 ई अपॉन बी, बी बचा, राइट, 6 बचा, ई बचा और बी बचा, राइट, अब आप ध्यान से देखो एक चीज, अब यहां पे फोर्स का एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे,
इसेंट्रिसिटी ऑफ ई पे, ई इसेंट्रिसिटी पे कर रही है, राइट? दैट मींस मतलब जब अगर मैं ये वाला एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट फॉर द टाइम बीइंग लेट सपोज ये जो ई फोर्स एक्ट कर रही है, अगर मैं ये वाला सिर्फ फेस कंसिडर करूं, ये वाला फेस कंसिडर करूं, तो दैट मीन्स जब इधर फोर्स लगेगी तो यहां पे ये वाला फेस क्या होगा, नीचे की तरफ कंप्रेस होगा, राइट? सर मतलब यहां पे क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, सीधी सी बात है आपका, राइट? और ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी सर फिर इसमें। हाँ, सीधी सी बात है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, मतलब एक फेस हमारा कंप्रेशन में जा रहा है, एक फेस हमारा टेंशन में जा रहा है, एक फेस हमारा कंप्रेशन में जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो ये रेड वाला, जो रेड में मैंने हैचिंग करी है, जो रेड हैच्ड पोर्शन है, इट विल बी इन कंप्रेशन, एंड योर ब्लू हैच्ड पोर्शन इट विल बी इन टेंशन, राइट? अब कॉन्क्रीट के लिए ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है, टेंशन वाली की कंप्रेशन वाली? टेंशन वाली, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्क्रीट अब कंप्रेशन मेंबर है, वो टेंशन आपका कंप्रेशन वो झेल सकता है, लेकिन टेंशन की केस में वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे आपके क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, वहां पे आपके क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो दैट मींस अगर मैं इसी का, ये जो बी विड्थ है, इसी का अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका कुछ स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है? वेयर सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू समेशन वी बाय बी 1 प्लस 6 ई बाय बी, राइट? क्योंकि मैक्सिमम है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, एंड योर सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू समेशन वी बाय माइनस आई गेस में 1 माइनस 6 ई बाय बी, ठीक है? याद हो का आपने इसमें पढ़ा होगा सॉम में, आपने 100% पढ़ा होगा सॉम में, ये बेंडिंग स्ट्रेसेस में, ठीक है? मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया समेशन वी बाय बी इनटू 1 प्लस 6 ई बाय बी, और मिनिमम आ गया समेशन वी बाय बी 1 माइनस 6 ई बाय बी, ठीक है? देखो क्योंकि टेंसाइल में क्योंकि कंक्रीट में भी थोड़ी आपकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मॉडुलस ऑफ रप्चर आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस ऑफ रप्चर पढ़ा होगा, ठीक है ना? जो कंक्रीट है it can resist tension up to a certain limit, कुछ लिमिट तक वो टेंशन को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है ना? बट अगर हम जब डिजाइन करते हैं हम वहां पे क्या लेते हैं कि अगर आपने लिमिट स्टेट आपने पढ़ लिया होगा तो उसमें करते हैं कि सारा का सारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है it is resisted by स्टील, और जो कंप्रेशन है वो कौन ले रहा है आपका, कॉन्क्रीट, कंप्रेशन कॉन्क्रीट ले रहा है, राइट? क्लियर है चीज? तो कहने का मतलब ये है अगर आप ये वैल्यू अगर आप चेक करो, अगर मैं सिर्फ क्योंकि इससे हमें दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम से हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये आपका कंप्रेशन ही रहेगा, ठीक है ना? ये आपका यहाँ पे दिक्कत आती है हमें किसमें, समेशन सिग्मा मिनिमम से, दिक्कत है सिग्मा मिनिमम से। अब दिक्कत क्यों है अब बताता हूं मैं आपको, ठीक है? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे समेशन वी बाय बी 1 माइनस 6 ई बाय बी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू और इस रेशियो पे, देखो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस रेशियो के ऊपर, 6 ई बाय बी के रेशियो के ऊपर। अगर तो इसकी वैल्यू 1 से कम है,
दैट मीन्स 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 पॉजिटिव रहेगा, समेशन v बाय v तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेस है, ये जो ये स्ट्रेस है आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो लेट सपोज 6e by b की जो वैल्यू है वो होगी 1 के बराबर, वो हो गई 1 के बराबर, तो दैट मींस आपका सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, अगर 6e by b जीरो हो जाएगा, दैट मींस हमारा जो ये स्ट्रेस डायग्राम है ये कुछ जीरो से शुरू हो जाएगी इससे, राइट, इस तरीके से बनेगा। इस तरीके देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपका जो स्ट्रेसेस है वो पॉजिटिव है, मतलब अभी भी कंप्रेसिव है, एक फेस पे जीरो हो गया और एक फेस पे अभी भी कंप्रेशन है। लेकिन अगर आपकी 6e by b की वैल्यू, इट बिकम्स ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उस केस में जो हमारी डायग्राम बनेगी वो कुछ इस नीचे चला जाएगा, ये जाएगा नीचे, तो ये डायग्राम आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से। तो मतलब ये पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन नेगेटिव, और जहां नेगेटिव स्ट्रेस आया, नेगेटिव स्ट्रेस मतलब टेंशन, हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम टेंशन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम टेंशन को नेगेटिव लेते हैं, और जहां पे आपका ये स्ट्रेस नेगेटिव हुआ वहां पे टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो गए, वहां पे कंक्रीट क्या कर गया, फेल कर गया किसमें, टेंशन में, ठीक है, वो फेल कर गया किसमें, टेंशन में। तो दैट मींस अब ध्यान से देखो, दैट मींस हमारे लिए जो क्रिटिकल कंडीशन है, दैट इज जो हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन है वो आ गई, हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन ये आ गई, ये कुछ सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम इक्वल टू जीरो, दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन, राइट। मतलब यहां तक अगर आपके स्ट्रेसेस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सिग्मा मिनिमम की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, आपका क्या करेगा, कॉन्क्रीट होगा वो आपका क्या करेगा, फेल कर जाएगा किसमें, टेंशन में, फेल कर जाएगा टेंशन में। तो दैट मींस हम एट मैक्स मतलब फॉर नो टेंशन क्रैक्स, आपका क्या है, सिग्मा मिनिमम फॉर नो टेंशन क्रैक्स, सिग्मा टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और एट मैक्स इक्वल टू जीरो, राइट। योर सिग्मा मिनिमम, क्योंकि सिग्मा मैक्स तो आपको पॉजिटिव ही रहेगा, जो सिग्मा मिनिमम है इट शुड आइदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जीरो से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। That means sigma minimum should at least be greater than or equal to zero. That means summation v by b into 1 minus 6e by b should be greater than equal to zero. यही बनेगी condition. Yes. यही बनेगी condition. Right. अब ये summation v by b उस side जाएगा zero में, तो वो zero हो जाएगा. So that means this implies 1 minus 6e by b should be greater than equal to 0, or this implies 1 should be greater than equal to 6e by b, or eccentricity ki baat karu, or e
शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी बाय सिक्स. ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू मतलब ज्यादा से ज्यादा इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरफेस, इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, आप ज्यादा से ज्यादा इसेंट्रिसिटी कितनी दे सकते हो? आप दे सकते हो बी बाय सिक्स. दैट इज बी बाय सिक्स. ये पढ़ा होगा आपने, सौ में भी पढ़ा होगा आपने बी बाय सिक्स. ठीक है, तो दैट मीन्स अब ध्यान से देखना, बी बाय सिक्स इस तरफ और सेम. अब इसेंट्रिसिटी की बात करें, अब इसेंट्रिसिटी राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है. तो b by 6 इस तरफ और b by 6 इस तरफ, दोनों तरफ b by 6, तो मतलब टोटल लेंथ कितनी बन गई? b by 6 प्लस b by 6 कितना बन गया? b by 3. तो इसका मतलब आपकी जो इसेंट्रिसिटी है, it can move at a distance that is equal to b by 3. सेंटर से बी बाय सिक्स दोनों तरफ, तो टोटल कितना हो गया आपका? बी बाय थ्री. आपका टोटल कितना हो गया आपका? बी बाय थ्री. क्लियर है चीज सबको? ठीक है, इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई हमारी? इसेंट्रिसिटी आ गई हमारी बी बाय सिक्स. ध्यान से सुनना, इसेंट्रिसिटी बी बाय सिक्स है लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज बी बाय थ्री, क्योंकि बी बाय सिक्स इसेंट्रिसिटी सेंटर के राइट तरफ भी और आपकी किस तरफ? लेफ्ट साइड भी. राइट, क्लियर है चीज? राइट, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अगर सौ में याद हो, इसे क्या बोलते हैं? मिडल थर्ड रूल. अगर आपको याद हो, इसको हम बोलते हैं मिडल थर्ड रूल. राइट, मिडल थर्ड रूल. ठीक है, सौ में पढ़ाओ मिडल थर्ड रूल किस केस के लिए होता है? रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए. ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, पढ़ते हैं, इज इक्वल टू बी बाय सिक्स एंड टोटल लेंथ ऑफ मूवमेंट, आपकी जो फोर्स है वो कितना डिस्टेंस आपकी मूव कर सकती है, इज इक्वल टू बी बाय सिक्स एक तरफ प्लस बी बाय सिक्स दूसरी तरफ. तो ये बन गया बी बाय थ्री, ये बन गया आपका बी बाय थ्री. ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, दिस इज नोन एज मिडल थर्ड रूल. दिस इज नोन एज मिडल थर्ड रूल. ठीक है ना, मिडल थर्ड रूल क्यों? इसमें थोड़ा सा एक बार ऐसे एक नॉर्मल फिगर में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी ले ली बी बाय सिक्स इस तरफ और बी बाय सिक्स इस तरफ. ठीक है ना, लेट सपोज दिस इज, ये जो ये विड्थ है आपकी, लेट सपोज इट इज बी. ठीक है ना, तो हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई b by 6 इस तरफ और b by 6 इस तरफ. राइट राइट, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना था? ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक? y max b by 2. ये कितना डिस्टेंस है? b by 2. b by 2. दिस इज
बी बाय टू राइट, तो बी बाय टू माइनस बी बाय सिक्स कितना होगा, बी बाय टू माइनस बी बाय सिक्स कितना होगा, बी बाय फोर, बी बाय थ्री, थ्री, बी बाय टू माइनस बी बाय सिक्स, राइट, सिक्स एलसीएम आ गया, सिक्स एलसीएम आ गया आपका, राइट, तो ये आ जाएगा टू थ्री जा, राइट, थ्री बी माइनस बी कितना आ गया, टू बी बाय सिक्स, ये आ गया आपका बी बाय थ्री, टू थ्री जा सिक्स, राइट, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस बचा हमारा, अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात करूं यहां से लेके दिस डिस्टेंस इज बी बाय थ्री, सिमिलरली दूसरी तरफ भी, यहां पे भी ये डिस्टेंस होगा आपका बी बाय थ्री, एग्जैक्टली बी बाय थ्री, ये डिस्टेंस भी होगा आपका बी बाय थ्री, और ये बीच में कितना बचा, बी बाय सिक्स प्लस बी बाय सिक्स, बी बाय सिक्स प्लस बी बाय सिक्स, बी बाय थ्री, ये भी बचा आपका बी बाय थ्री, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू बी बाय थ्री, राइट, इसका मतलब सेंट्रिसिटी ने क्या किया, आपके पूरे पोर्शन को तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया, b by 3, b by 3 और b by 3, लेकिन लेकिन जो इसेंट्रिसिटी है इट कैन मूव ओनली इन द मिडल b by 3 पोर्शन, ठीक है ना, जो इसेंट्रिसिटी है इट कैन मूव ओनली इन द मिडल b by 3 पोर्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिडल थर्ड रूल, इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल थर्ड रूल, क्लियर है चीज सबको, ये चीज क्लियर है सबको, It is also known as middle third rule. ठीक है? Clear है चीज? ये आ गया आपका middle third rule. That means in a dam जो आपकी forces हैं it can pass only through middle third portion. ताकि आपका क्या हो? Tensile stresses develop ना हो. ठीक है? Clear है चीज? ठीक है, ये आ गया टेंशन के लिए. अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं. ठीक है, लेट सपोज Let's suppose this is your dam body, ठीक है, ये आपका कोई ठीक है, let's suppose this is your dam body, ठीक है, और ये आ गया आपका एंगल अल्फा, या फिर this is your angle alpha, ठीक है, अब एक चीज देखो, जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, वो कहाँ एक्ट कर रहा था आपका, आपका टो वाले पोर्शन पे, सिग्मा मैक्स, राइट, ये कहाँ एक्ट कर रहा है आपके, टो वाले पोर्शन में, राइट, यहाँ पे आ गया आपका, लेट सपोज इतने पोर्शन में मैं लेता हूँ, Let's suppose this is your sigma max, right? और जो ये वाला portion है यहाँ पे, ये चलो, और because of horizontal forces यहाँ पे क्या लगेगा, एक
अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या करेंगे, इस डैम को पुश करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम सो दैट मींस दैट मींस आपका यहां पे एक क्या लगेगा, आपका शियर स्ट्रेस भी लगेगा, राइट। दैट मींस इस फेस पे आपका क्या लगेगा, एक आपका शियर स्ट्रेस भी लगेगा, राइट। किसी को ये चीज समझने में कोई दिक्कत, इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, शियर स्ट्रेस भी लगेगा, राइट। कहने का मतलब क्या कि हम आपके टो के ऊपर हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसको मैक्सिमम तो ले रहे हैं, बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम स्ट्रेस, दिस इज नॉट योर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ध्यान रखना, स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है तो दैट मींस उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। और आपको यह भी पता है प्रिंसिपल स्ट्रेस की लोकेशन पे शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता है, आपका शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, ये सॉम में पढ़ा होगा आपने यार, ठीक है ना। वो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन हम किसको बोलते हैं, हम वो प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं जहां पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिम हो और शियर स्ट्रेस क्या हो, जीरो हो, जहां पे शियर स्ट्रेस आपका जीरो हो। तो दैट मींस हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो एक्चुअल में इस प्लेन पे नहीं, इट विल एक्ट एट दिस प्लेन। ये आ गया 90 degree एंड दिस इज अल्फा, ठीक है ना। दैट मीन्स अब हमारा जो एक्चुअल में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जिसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, वो एक्ट करेगा इस प्लेन पे। दिस इज योर सिग्मा वन। देखो सिग्मा मैक्स की लोकेशन पे आपका शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। सिग्मा मैक्स की लोकेशन पे हमारा शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। तो दैट मींस जिस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, दैट मींस दैट इज नॉट योर प्रिंसिपल प्लेन। इसका मतलब वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट योर मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस होता कौन सा, प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो दैट मींस सिग्मा वन, दिस इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस। तो दैट मींस अब आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला पता है, आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो सिग्मा मैक्स, ये नॉर्मल स्ट्रेस की बात करो, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सिग्मा टू साइन स्क्वायर अल्फा, और एक और तरीका कैसे निकालने का, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू 2/2 plus sigma 1 minus sigma 2/2 into cos 2 alpha। सॉम का पार्ट है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस टॉपिक का, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 cos square alpha plus sigma 2 sin square alpha। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मुझे सिग्मा वन की वैल्यू निकालनी है, अब अगर मुझे सिग्मा वन की वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, सिग्मा वन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा टू साइन स्क्वायर अल्फा, और सिग्मा वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों के बॉटम में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा मैक्स सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा टू टेन स्क्वायर अल्फा, राइट। सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस सिग्मा टू साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लेते, क्योंकि क्योंकि जो ये सिग्मा मैक्स है, बिकॉज बिकॉज
सिग्मा मैक्स इज नॉट द मैक्सिमम स्ट्रेस बिकॉज सिग्मा एक्स इज नॉट द मैक्सिमम स्ट्रेस. तो इसका मतलब हम ये क्योंकि सिग्मा मैक्स बार बार लिख रहे हैं तो यहां से कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना. तो हम सिग्मा मैक्स को रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू सिग्मा वी, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस ऊपर की तरफ लग रहा है, हम इसको सिग्मा वी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना. तो दिस इंप्लाइज इसको सिग्मा मैक्स लिखो और सिग्मा वी, दैट मीन्स सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा टू टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना, तो टेन बन जाएगा वो, ठीक है ना. तो ये आ गया हमारा, दिस इज नाउ दिस सिग्मा वन इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस. दिस इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है. सिग्मा वन ये आ गया मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट. क्लियर है. और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है. ये तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया. इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर कोई एक और प्लेन है जहां पे क्या लग रहा होगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस होते हैं हर एक प्लेन पे आपका, ठीक है ना. तो ये सिग्मा वन है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, कौन सा प्लेन, ये प्लेन, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है इसके ऊपर भी आपका स्ट्रेस लग रहा है. इसके ऊपर भी आपका क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है. कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टू, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा टू से. एग्जैक्टली जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा टू से. और हमें ये पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है. लेट सपोज हमें इसकी वैल्यू पता है. लेट सपोज दिस इज योर टेल वाटर. लेट सपोज दिस इज योर टेल वाटर ऑफ हाइट एच टू. लेट सपोज दिस इज योर टेल वाटर ऑफ हाइट एच टू. तो दैट मीन्स योर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज नथिंग बट गामा डब्ल्यू इनटू एच टू, राइट. इसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसे इस शेप में होगा, ट्रायंगुलर. हमने पढ़ा भी था बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, गामा डब्ल्यू एच टू, राइट. तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, गामा डब्ल्यू H2. वो होगी गामा डब्ल्यू एच टू. तो दैट मीन्स हमें सिग्मा वन की भी वैल्यू मिल गई और हमें सिग्मा टू विच इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विच इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा टू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच टू, ठीक है. गामा डब्ल्यू एच टू, राइट. क्लियर है चीज, राइट. इसका मतलब अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो सिग्मा वन लग रहा है, ध्यान से देखना, तो ये सिग्मा वन लग रहा है, ये यहाँ पे जो कॉन्क्रीट है, यहाँ पे जो कॉन्क्रीट है उसको क्या कर रहा है, इस पे किस तरीके का स्ट्रेस है, क्या ये कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, सिग्मा वन क्या ये कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है. कंप्रेसिव सर, कंप्रेसिव ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है यार, ऑब्वियसली बात है, कंप्रेसिव ऊपर से लग रहा है ना, राइट. हाँ राइट, सीधे दिख रहा है आपका, कंप्रेसिव है. दैट मीन्स ध्यान रखना, दैट मीन्स हमने पहले टेंसाइल फेलियर पढ़ा, अब ये कंप्रेशन फेलियर पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स टू अवॉइड कंप्रेशन फेलियर, ऑफ कॉन्क्रीट एट टो ऑफ डैम
कॉमा कॉमा द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट should be greater than कितने बड़ी होनी चाहिए सिग्मा वन से. जब तक ये सिग्मा वन को रेजिस्ट कर रहा है तब फेलियर नहीं होगा. जैसे ही सिग्मा वन की वैल्यू कॉन्क्रीट के कंप्रेशन फेलियर से ज्यादा कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा हुई आपका क्या हो जाएगा टो के ऊपर क्या हो जाएगी क्रशिंग हो जाएगी. टो के ऊपर क्या हो जाएगी क्रशिंग हो जाएगी. क्रशिंग फेलियर या फिर कंप्रेशन फेलियर ठीक है ना. क्रशन क्रशिंग फेलियर और कंप्रेशन फेलियर राइट. क्लियर ये चीज राइट. क्लियर ये चीज राइट. अब हमने सिग्मा वन की वैल्यू भी निकाल ली सिग्मा टू की वैल्यू भी निकाल ली सिग्मा मैक्स की वैल्यू भी निकाल ली सिग्मा वी की वैल्यू निकाल ली ठीक है. ध्यान से देखो हमने यहाँ पे सिग्मा वन की वैल्यू भी निकाल ली सिग्मा टू की वैल्यू भी निकाल ली है और ये सिग्मा मैक्स या सिग्मा वी की वैल्यू भी निकाल ली है. लेकिन अभी तक हमने ये टाउ की वैल्यू तो निकाली नहीं. अभी तक हमने ये टाउ की वैल्यू तो निकाली नहीं राइट. ये टाउ किसके बराबर होगा कि बता सकता है. शियर स्ट्रेस किसके बराबर होगा. सॉम में पढ़ा आपने यार शियर स्ट्रेस टाउ किसके बराबर होगा. सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू साइन टू अल्फा इंटू साइन टू अल्फा राइट. शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू साइन टू अल्फा राइट. इसी के बराबर होगा 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 यार टेंशन मत लो इसी के बराबर होगा ठीक है. ये आपका ये आपका फॉर्मूला है इसका. सर ये एक किस्म की रिजल्टेंट फोर्स निकल रही है वहां से मतलब दोनों फोर्सेस मतलब जो उनका नेट सेल रह जाएगा सिग्मा वन और सिग्मा टू का. नहीं रिजल्टेंट फोर्स तो नहीं बोलते यार ये हमारा आपका शियर स्ट्रेस है आपका बेसिकली मतलब उनका एवरेज इफेक्ट है एक हिसाब से. हाँ उनका एवरेज इफेक्ट जो है आपका दैट इज योर शियर स्ट्रेस तभी वो माइनस हो रहे हैं. तो ये सिग्मा हाँ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू साइन टू अल्फा राइट. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू इंटू टेन अल्फा ठीक है. अब ये आया कैसे इसकी हम सिग्मा वन की वैल्यू अगर सिग्मा वन किसके बराबर हमारा सिग्मा वी sec square अल्फा और सिग्मा टू tan square अल्फा. अगर हम इस सिग्मा वन की अगर हम सिग्मा वन की जगह सिग्मा वी sec square अल्फा माइनस सिग्मा टू tan square अल्फा सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है हमारा सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है ठीक है. तो टेंशन लेने की बात नहीं है वहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो सिग्मा वी sec square अल्फा माइनस सिग्मा टू टेन स्क्वायर अल्फा राइट. अगर करना है तो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ ठीक है. सिग्मा वन की जगह आ जाएगा सिग्मा वी sec square अल्फा माइनस सिग्मा टू टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा टू बाय टू ठीक है बाय टू और साइन टू अल्फा को मैं टू साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकता हूँ राइट. साइन टू अल्फा को मैं टू साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकता हूँ राइट. तो इसका मतलब ये टू और ये टू तो कैंसल आउट हो गया राइट. ये टू और ये टू तो कैंसल आउट हो गया. तो दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वी sec square अल्फा माइनस सिग्मा टू अगर कॉमन निकाल लू मैं ये क्या बचा टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस वन टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस वन और यहां पे बचा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा राइट राइट. अब वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता है. वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता है sec square अल्फा के. सिग्मा टू इज इक्वल टू या अगर सिग्मा टू tan square alpha plus 1 is equal to sec square alpha into
साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू सेक्स स्क्वायर अल्फा, मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, सेक्स स्क्वायर अल्फा मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सेक्स स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, राइट? तो मैंने सेक्स स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस और एक स्क्वायर वाला कट गया, तो क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू टैन अल्फा, सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू अपॉन टैन अल्फा, और यही हमने ऊपर भी लिखा था, सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू अपॉन टैन अल्फा. This is your shear stress that is acting at the toe. ठीक है, तो ध्यान रखना डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान से याद रखना, ये आ गया शियर स्ट्रेस का. ठीक है, तो हमने ओवरटर्निंग फेलियर भी देख लिया, हमने आपका टेंसाइल फेलियर भी देख लिया, और हमने आपका कंप्रेशन फेलियर भी देख लिया. ठीक है, टेंसाइल फेलियर भी देख लिया और कंप्रेशन फेलियर भी देख लिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका लास्ट फेलियर, दैट इज ए स्लाइडिंग फेलियर. लास्ट फेलियर थर्ड इज स्लाइडिंग फेलियर, बहुत सिंपल सा फेलियर है ये भी आपका, स्लाइडिंग फेलियर. ठीक है, सिंपल सा फंडा है स्लाइडिंग फेलियर का. लेट सपोज ये आ गया आपका डैम, ठीक है, ये आ गया डैम, और इसके ऊपर ये लग रही होंगी क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और ये लग रही हैं आपकी क्या वर्टिकल फोर्सेस, ये लग रही है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और ये लग रही हैं आपकी वर्टिकल फोर्सेस. ये आ गया समेशन एच एंड दिस इज समेशन वी. सीधी सी बात है, अगर आपका समेशन एच समेशन वी से बड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर आपका समेशन एच समेशन वी से बड़ा है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसको पुश कर देगा कहां पे, नीचे की तरफ, मतलब क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फेलियर हो जाएगा. राइट. अब इस स्लाइडिंग फेलियर को ध्यान से सुनना, इस स्लाइडिंग को रजिस्ट कौन करेगा, समेशन एच पुश कर रहा है इसको डैम को फ्रॉम अपस्ट्रीम, जो समेशन एच है इट इज पुशिंग द डैम फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम पोजीशन, अब इसको रेजिस्ट, जो डैम रेजिस्ट करेगा वो किस वजह से करेगा, तो बताओ सर, टेल वाटर प्रेशर की वजह से. टेल वाटर, बिल्कुल, एक तो टेल वाटर से भी करेगा, और एक और बड़ा बड़ा बेसिक रीजन है यार, बड़ा बेसिक सा रीजन है सर, जो अर्थ और डैम के बीच में कनेक्शन होगा ना, उस कनेक्शन से होगा क्या सर, मतलब कि फ्रिक्शन डेवलप होगा, फ्रिक्शन, एग्जैक्टली फ्रिक्शन की वजह से, एग्जैक्टली फ्रिक्शन. ठीक है ना, इसको जो रेजिस्ट कर रहा है दैट इज इट्स फ्रिक्शन फोर्स. इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स. सिग्मेशन इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन, और इट इज इक्वल टू म्यू समेशन वी वर्टिकल फोर्सेस. ठीक है ना, दैट मींस इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को कौन रेजिस्ट कर रहा है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स. सो दैट मींस फॉर नो sliding failure, that means for no sliding failure mu summation v should be greater than summation h. अगर आपकी frictional force ज्यादा है किससे, horizontal forces से, तो that means आपका sliding failure नहीं होगा. Right? नहीं yes, होगा. Sir. ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर आएगा आपका,
यार एक एक मिनट ये वाला माइक बंद कर दो थोड़ा सा जो ठीक है चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ गया ये आ गया म्यू समेशन वी अपॉन समेशन एच ठीक है ना मतलब ये क्या आपकी दिस इज योर स्टेबलाइजिंग फोर्स और ये क्या आपका समेशन एच क्या है आपका दिस इज योर डिस्टर्बिंग फोर्स ठीक है तो ध्यान रखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा स्टेबलाइजिंग अपॉन डिस्टर्बिंग ही रहेगा ठीक है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू समेशन म्यू समेशन वी वेयर म्यू क्या आपका म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है ना और इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू जनरली लाइज बिटवीन 0.62 to 0.75 ठीक है तो आपका स्टेबलाइजिंग फोर्स अपॉन डिस्टर्बिंग फोर्स दिस इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ठीक है क्लियर है चीज इसके अलावा एक और फोर्स होती है ये तो फ्रिक्शन आ गई एक फोर्स इसके अलावा एक और हमारी फोर्स होती है जो इसको रेजिस्ट करती है ठीक है वो कौन सी होगी जो आपका डैम का जो बॉटम है और जो आपकी नीचे सरफेस है उसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस बनेगा जैसे हमारा कंक्रीट और स्टील बार के रीइंफोर्समेंट के बीच में बनता है ना बॉन्ड स्ट्रेस वैसे ही आपका किस में बनेगा आपका बॉटम ऑफ योर डैम एंड योर बेड सरफेस इसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है उसके कारण भी क्या होता है आपकी रेजिस्टिंग फोर्स क्या होती है रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है तो दैट मींस इफ bond stress or strength of concrete is also taken into consideration तो इसका मतलब आपकी ये फोर्स कितनी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी सीधी सी बात है जो आपका बॉन्ड स्ट्रेस इनटू कॉन्टैक्ट एरिया राइट स्ट्रेस इनटू एरिया क्या आ गई फोर्स आ गई सीधी सी बात है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया तो दैट मींस ये क्या आ गया क्यू इनटू कॉन्टैक्ट एरिया क्या आ जाएगा बी इनटू एल यस सर राइट बी इनटू एल विड्थ इनटू लेंथ राइट क्योंकि हम यूनिट लेंथ लेके कंसीडर डिजाइन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा क्यू इनटू बी इनटू बी इनटू वन राइट तो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बन गई वो क्या बन गई क्यू इनटू बी सिर्फ क्यू इनटू बी तो दैट मींस जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्स है दैट मींस जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्स या फिर इसको हम रेजिस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं जो स्लाइडिंग को रेजिस्ट कर रही है रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स समेशन वी प्लस क्यू इनटू बी राइट यही आ जाएगी राइट यही आएगी तो इस केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा इस केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू समेशन बी प्लस क्यू इनटू बी अपॉन समेशन एच एच ये हो जाएगा समेशन एच राइट ये आ जाएगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हेन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट व्हेन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो इज टेकन इनटू अकाउंट और इसको हम बोलते हैं SFF which is shear friction
फैक्टर, ठीक है ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं शियर फ्रिक्शन फैक्टर, SFF. जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी कंसिडर कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, शियर फ्रिक्शन फैक्टर. ठीक है, क्लियर है चीज सबको, कोई डाउट इसमें, शियर फ्रिक्शन फैक्टर में या बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोई डाउट? ठीक है, यह आ गया, यह आ गया. देखो स्लाइडिंग फिलर का सिंपल सा फंडा यार, स्लाइड कौन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम एक्ट कर रही है, और इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? इसको रेजिस्ट कर रहा है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स. इसी सी बात है, ये लॉजिकल सी बात है आपका, ठीक है ना, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगी किसको, क्या करने में, मूव करने में, उसको मूव करने में, ठीक है ना. तो वहां से हमने फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर कर ली, म्यू इंटू एन, एन इज योर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके अगेंस्ट मिलता है, वेट के अगेंस्ट. तो आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई वो आ गई म्यू इंटू समेशन वी. वहां से हमने क्या निकाल लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. उसके बाद हमने क्या किया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंसिडर की, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंसिडर की इसकी कॉन्क्रीट की, ठीक है ना. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाली कहां से, हमने यूजिंग बॉन्ड स्ट्रेस इंटू कॉन्टैक्ट एरिया, राइट. वहां से हमने क्या निकाल लिया, आपका स्टेबलाइजिंग फोर्स. स्टेबलाइजिंग फोर्स किसके बराबर आ गई, जब हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर किया, म्यू समेशन वी प्लस क्यू इंटू बी. तो यहां से हमने फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लिया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं शियर फ्रिक्शन फैक्टर, SFF, शियर फ्रिक्शन फैक्टर, राइट. क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज? अगर क्लियर है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, दैट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, ठीक है. एलिमेंट्री प्रोफाइल होती कौन सी है, क्या होती है, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, ठीक है. एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम, इट इज द, ध्यान रखना, इट इज द थ्योरेटिकल प्रोफाइल, इट इज द थ्योरेटिकल प्रोफाइल ऑफ डैम which is only subjected to self weight, comma water pressure and uplift pressure, ठीक है. तो ध्यान रखना, जब हम वाटर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रीम वाटर की बात करेंगे, ठीक है. जब हम वाटर प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रीम की बात करेंगे. दैट मीन्स टेल वाटर इज अज्यूम्ड टू बी एबसेंट, ठीक है. टेल वाटर इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट, ठीक है. ध्यान रखना, टेल वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रीम फेस वाले वाटर को कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स अगर मैं एक एलिमेंट्री प्रोफाइल बनाऊं डैम की, ठीक है एलिमेंट्री प्रोफाइल ध्यान से देखना, दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम. और हमने क्या बोला, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अपलिफ्ट फोर्स लग रही है. दैट मीन्स ये आ गया आपका वाटर प्रेशर, और नेक्स्ट बात कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर की, ठीक है, ये आ गया आपका वाटर प्रेशर, ये आ गया आपका अपलिफ्ट प्रेशर, ये आ गया अपलिफ्ट प्रेशर, एंड दिस इज योर
डैम बॉडी, ये आ गया आपका डैम बॉडी, ठीक है ठीक है। अब वाटर प्रेशर किसके बराबर होगा, लेट सपोज जो हाइट है, लेट सपोज ये जो हाइट है, दिस इज इक्वल टू एच, दिस इज इक्वल टू एच, एंड दिस बॉटम विड्थ इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू बी राइट। तो इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम वाटर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच, सीधी सी बात है, गामा डब्ल्यू इंटू एच जितनी हाइट ऑफ वाटर है इंटू, दिस इज द मैक्सिमम, ये फोर्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, दिस इज द प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एट द बॉटम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर एट द बॉटम इज इक्वल गामा डब्ल्यू इंटू एच, और मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर की बात करूं तो वो आ जाएगा मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू सी गामा डब्ल्यू इंटू एच, सी गामा डब्ल्यू इंटू एच, राइट, ये आ जाएगा आपका, दिस इज योर मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। सी की वैल्यू को हम 1 ले लेंगे जब अपलिफ्ट प्रेशर प्रेजेंट है, सी इक्वल टू 0 ले लेंगे व्हेन अपलिफ्ट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है चीज। तो इसका मतलब अब फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है, हमने क्या बोला था कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। तो पहले वेट की बात करते हैं, अब अगर मुझे सेल्फ वेट ऑफ डैम निकालना है डब्ल्यू, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, सीधी सी बात है, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, लेट सपोज डैम जिस मटेरियल से बना है, लेट सपोज कंक्रीट से ही, लेट सपोज उसका यूनिट वेट है SC, लेट सपोज उसका यूनिट वेट है SC, तो दैट मींस मेरा जो सेल्फ वेट ऑफ डैम होगा, दैट इज यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, दैट मींस इसके बराबर यूनिट वेट आ गया SC। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, क्या करना है, एरिया इनटू लेंथ, राइट, वो क्या आ जाएगा, हाफ बी इनटू एच, बेस इनटू हाइट इनटू लेंथ, क्योंकि हम लेंथ यूनिट लेंथ कंसीडर करते हैं, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दैट मींस सेल्फ वेट आ गया आपका 1/2 बी इनटू एच इनटू एससी, राइट, 1/2 एच इनटू एससी, राइट, क्लियर है चीजें, राइट। नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा वाटर प्रेशर, लेट सपोज दिस इज वाटर प्रेशर, इसको लेते हैं हम पी, ठीक है, तो ये पी किसके बराबर होगा, पी एच लेते हैं इसको, ये किसके बराबर होगा, कल भी हमने पढ़ा था यार, ऑफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, एरिया निकालना है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया निकालो, सीधी सी बात है, 1/2 इनटू गामा डब्ल्यू इनटू एच इनटू एच, वो बन जाएगा 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, राइट, इसी के बराबर होगा, राइट। और जो आपका थर्ड है अपलिफ्ट फोर्स, जिसको मैंने बोला था या तो हम सी से या तो हम यू से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होगा, सेम एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, 1/2 सी गामा डब्ल्यू एच इंटू बी हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, वो हो गया आपका वो हो गया 1/2 सी गामा डब्ल्यू एच इंटू बी, ये आ गई हमारी क्या, तीनों फोर्सेस जो एक एलिमेंट्री प्रोफाइल पे लग रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अपलिफ्ट प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसमें सी को हम 1 कंसिडर करते हैं इफ इफ अपलिफ्ट
प्रेशर अपलिफ्ट प्रेशर इज कंसिडर्ड और C इज इक्वल टू जीरो इफ माइक ऑफ कर दो यार बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है ये मेरा ही माइक है यार थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा if uplift is not considered ठीक है तो देखो अब ध्यान दो अब किस केस में अपलिफ्ट होगी और किस केस में अपलिफ्ट नहीं होगी क्यों बता सकते हैं मेरे को अपलिफ्ट किस केस में होगी और किस केस में नहीं होगी सर जब इम्पटी होगा डैम तब नहीं होगी हाँ एग्जैक्टली जब आपका रिजर्वायर एम्प्टी होगा ठीक है क्योंकि पानी ही नहीं है तो पानी सीप कहां से करेगा राइट अगर पानी ही एब्सेंट है तो आपका सीप करेगा ही नहीं तो सीप नहीं करेगा तो दैट मींस अपलिफ्ट फोर्स उस केस में हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे हमने दो केस स्टडी करने हैं एक स्टडी करना है व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी और एक कंसीडर एक करना है हमने व्हेन रिजर्वायर इज फुल ठीक है व्हेन रिजर्वायर इज फुल राइट क्लियर ये चीज ठीक है पहली बात करते हैं केस वन रिजर्वायर इज एम्प्टी ठीक है सर ये सी और वी के केस सी सी आ गया अपलिफ्ट फोर्स सी जो है दिस इज योर अपलिफ्ट फोर्स ये सी जो आपको बताया मैंने सी इज इक्वल टू 1 सी इज इक्वल टू 0 और ये जो बी है दिस इज द विड्थ ऑफ डैम बी सर जो आपने लिखा है ना सी स्लैश वी फॉर पैन वी नहीं यू यू है वो मैं आपको कल भी बताया था हम अपलिफ्ट फोर्स को या तो सी से डिनोट करते हैं या तो यू से डिनोट करते हैं ये कल भी बताया था मैंने हम अपलिफ्ट फोर्स को या तो सी या तो यू से डिनोट करते हैं ठीक है चलो अब केस वन की बात करते हैं केस वन रिजर्वायर इज एम्प्टी रिजर्वायर इज एम्प्टी मतलब पानी नहीं है ठीक है पानी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ पानी नहीं है तो इसके मतलब अब आपकी एलिमेंट्री प्रोफाइल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी इसका मतलब आपके एलिमेंट्री प्रोफाइल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी और दूसरी वाली कैसे लगेगी यार सर एक ही लगेगी वाटर प्रेशर वाटर की बस एक ही लगेगी सर सल्फेट वाटर है ही नहीं तो वाटर प्रेशर हाँ एग्जैक्टली तो दैट मींस फॉर रिजर्वायर एम्प्टी योर पीएच इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0 मतलब वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट दोनों 0 हो गया तो दैट मींस आपका जो समेशन वी है वर्टिकल फोर्स इज ओनली इक्वल टू डब्ल्यू ओनली इक्वल टू डब्ल्यू तो दैट मींस अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस निकालूं सिग्मा मैक्स की बात करूं अगर मैं सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिन की बात करूं सिग्मा मैक्स स्लैश सिग्मा मिनिमम वो किसके बराबर था समेशन वी बाय बी इंटू 1 प्लस माइनस 6 ई बाय बी इसी के बराबर था या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अब समेशन वी किसके बराबर डब्ल्यू के बराबर डब्ल्यू बाय बी इंटू 1 प्लस माइनस अब इसेंट्रिसिटी किसके बराबर थी हमारी ई किसके बराबर था हमारा बी बाय सिक्स के बराबर बिल्कुल बी बाय सिक्स के बराबर तो दैट मींस 6 इंटू बी और ई की जगह लिख दूंगा मैं बी बाय सिक्स ई की जगह लिख दूंगा बी बाय सिक्स राइट तो ये 6 कैंसिल आउट बी कैंसिल आउट तो ये बन गया आपका डब्ल्यू बाय बी इंटू 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 राइट क्लियर है चीज अब एक चीज ध्यान से देखो जो सेल्फ वेट ऑफ डैम होगा वो पास कहां से करेगा जो ये डैम है कहां से पास करेगा सीधी सी बात है सीजी से पास करेगा ऑब्वियस सी बात है कहां से पास करेगा सीजी अब सीजी आपका किसके पास है हील के पास है कि टो के पास है लेट्स सपोज ये आपका This is your heel and this is your toe and this is heel. तो आपका जो heel, जो आपका CG है वो किसके पास ज़्यादा close किसके है? Heel के कि toe के? Heel sir. Heel के.
ऑब्वियसली हील के h/3 यहां से है और वहां से 2h/3 है, राइट? सो दैट मींस cg इज मोर क्लोजर टू हील. इसका मतलब आपका ज्यादा स्ट्रेस किस पे होगा, हील के ऊपर कि टो के ऊपर? हील पे. हील के ऊपर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपका जो फोर्स है जो cg एट इज मोर क्लोजर टू योर हील, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा दैट विल बी एट हील एंड मिनिमम विल बी एट द टो. तो दैट मींस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, दैट मींस सिग्मा मैक्स कहां पे एट द लोकेशन ऑफ हील क्या हो जाएगा, w अपॉन b 1 प्लस 1 और इट विल बी इक्वल टू 2w/b. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेते हैं वैल्यू, ठीक है? तो सिग्मा मैक्स सिग्मा हील इज इक्वल टू 2w/b, और वहीं सिग्मा मिनिमम की बात करूं, अगर मैं सिग्मा मिनिमम की बात करूं विच इज एट द लोकेशन ऑफ टो, विच इज एट द लोकेशन ऑफ टो, वो क्या हो जाएगा, w/b इनटू 1 - 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0. तो हमारा सिग्मा मिनिमम या फिर स्ट्रेस एट टो क्या हो गया आपका, 0. पर किस केस में, रिजर्वायर एम्प्टी वाले केस, एम्प्टी वाले में, ठीक है? रिजर्वायर एम्प्टी वाले केस में, ठीक है? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना इसमें. अब हमारे पास फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्ट कर रही है, कौन सी, आपकी वर्टिकल सेल्फ वेट. एंड एंड ध्यान सुना, ये पास कहां से कर रही है, ये पास कहां से कर रही है, इट इज पासिंग फ्रॉम दी सीजी, आपकी सीजी मतलब कहां पे होगा, वो बी बाय थ्री पे होगा, ठीक है? निकाल दे रही है, ठीक है? तो इसका मतलब अब ध्यान से देखना जरा इसको, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहां पे बनाता हूं. सपोज ये आ गया आपका डैम, ठीक है? अब जो आपका ठीक है, अब हमारे पास, अब ये लेट्स सपोज दिस इज this total width is b, let's suppose this total width is b, ठीक है? अब ये eccentricity जो ये आपका self weight है, ये pass कहाँ से करेगा, ये कहाँ से pass करेगा, cg से, cg कहाँ पे होगा, cg कहाँ पे होगा, let's suppose this is this length आ गया आपके b, तो ये होगा कहाँ पे cg, b by 3 from heel, b by 3 from the heel, let's suppose, right? तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, let's suppose this is ये बन गया आपका, this is your b by 3, राइट? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम हमें वहां पे पिछले टॉपिक पे, सर इसके तीन पार्ट्स हो जाएंगे ना फिर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के b/3 के थ्री पार्ट्स. देखो ये देखो ये देखो ये देखो यहीं पे हमने देखा था, ये b/3, दैट मींस यहां से पास कर रहा है ये b/3 से, मतलब कहां से पास कर रहा है, ये कहां से पास कर रहा है, मतलब इसेंट्रिसिटी के जो इनर मोस्ट पोर्शन है, it is, इसको हम बोलते हैं, it is the inner one third point, ठीक है ना? तो that means जो ये आपकी force act कर रही है, जो resultant force जो है, that means this implies, comma the resultant force. अब resultant है क्या, एक ही force है और वही resultant है, और वो क्या है, self weight. The resultant force passes through, inner middle third point, ठीक है? ध्यान रखना, ये b/3 यहां पे होगा, और ये आ गया, ये भी आ गया क्या आपका b/3,
और ये आ गया आपका इसेंट्रिसिटी वाला b by 3, राइट, क्लियर है? तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है कौन सी, जो v, समेशन v, इट इज पासिंग थ्रू इनर मिडल थर्ड पॉइंट, क्लियर है ये चीज सबको, राइट, क्लियर है ये चीज? पर ये कौन से केस में है, व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी, एम्प्टी, व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी, ठीक है? अब रिजर्वायर फुल की बात करते हैं, ठीक है, लास्ट केस हमारा केस टू, एक मिनट अपन ऊपर करना, ओके सर, ठीक है, चलो सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन रिजर्वायर इज फुल, वाले केस में b by 3 और b by 3 कैसे हो गया, क्या हुआ डायग्राम में, ये b by 3 पे एक्ट कर रहा है तो आगे भी b by 3 है, b by 6 आगे आगे सेट, b by 6 plus b by 6 होगा ना, देखो ये वाला क्या आ गया, ये पोर्शन होगा आपका b by 6 और ये पोर्शन होगा आपका, अच्छा पूरा b by 6, तो हाँ b by 6 plus b by 6 b by 3 हो गया, वो मैंने पूरा बनाया वो b by 3, ठीक है ना, तो ये आपका यहां से लेके अगले वाले पॉइंट तक क्या होगा, टोटल b by 3, ठीक है ना, तो वही मिडल थर्ड रूल बन गया आपका, मिडल थर्ड रूल बन गया, बस ये है कि रिजल्टेंट अब इनर मिडल थर्ड से पास कर रहा है, ठीक है? तो सेकंड केस आता है, रिजर्वायर इज फुल, थर्ड केस आता है आपका, रिजर्वायर इज फुल, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, रिजर्वायर इज फुल, इस केस में क्या होगा आपका, हाँ रिजर्वायर फुल, अब इस केस में क्या होगा, अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे, अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे सर, इसमें तीनों लग जाएंगे, अब तीनों करेंगे, अब इसमें तीनों एक्ट करेंगे, अब इसमें तीनों एक्ट करेंगे, अब इस केस में आपकी आपकी सेल्फ वेट भी एक्ट करेगा, आपकी एक चीज का ध्यान रखना, पहले हमने एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ कर ली, जो एस सी है, दिस एस सी, एस सी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट, एस सी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, तो दैट मीन्स अब इसका जो यूनिट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, गामा सी किसके बराबर होगा, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, हाँ देखो यूनिट वेट अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ कोई भी जो भी, जैसे हम कंक्रीट की बात करें, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर, तो दैट मींस यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट किसके बराबर आ जाएगा, SC into gamma W, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा होगा आपने यार, जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, पहला ही हमारा जो हमारा पहला ही टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, आपका प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, यूनिट वेट ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेते थे, वाटर लेते थे, तो वही यहां पे हमने यहां भी वही किया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉरी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर वहां जाके किससे मल्टीप्लाई हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट से, तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट क्या बन गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो दैट मींस यहां पे हमारा जो वेट का फॉर्मूला जाएगा वो बनेगा आपका, वेट क्या बोला था हमने, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट सेल्फ वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट किसके बराबर, अब एस सी इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 बी एच एस सी गामा डब्ल्यू, ये करेक्शन कर लो सारे, ये करेक्शन कर लो,
ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम रिजर्वायर फुल कंडीशन पे, अब आते हैं हम रिजर्वायर फुल कंडीशन पे। इसमें क्या बोलता है, ऑल द थ्री फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये वही केस आ गया जो हमने मोड्स ऑफ फेलियर में पढ़ा था, अब वही केस आ गया जो हमने मोड्स ऑफ फेलियर में, कौन सा बताओ तो, क्या जो करेक्शन बता रहा था अभी, करेक्शन कौन सा वाला है? अच्छा करेक्शन, हाँ देखो हमारा यहाँ पे जो ये एस सी है, ध्यान रखना, ये जो एस सी हमने लिखा है, ये एस सी, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट। ये आपने सॉइल में भी पढ़ा होगा यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड या यूनिट वेट ऑफ वाटर, राइट। तो हमारा, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ना कि यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों गिवन है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका डैम कॉन्क्रीट का ही बना हो, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आपका डैम जो कॉन्क्रीट का ही बना हो, हो सकता है इट इज एन अर्थ फिल्ड डैम, हो सकता है इट इज अ रॉक फिल्ड डैम, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें यूनिट वेट की बजाय वो क्या दे रहा है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो भी मटेरियल है, लेट सपोज मैं कॉन्क्रीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं कॉन्क्रीट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट ले रहा हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट किसके बराबर आ गई, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अब मुझे अगर वेट ऑफ, सेल्फ वेट ऑफ डैम निकालना है तो वो कैसे होगा, सेल्फ वेट किस बराबर होगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट किसके बराबर आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, राइट। तो इसका मतलब वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, राइट सर, राइट। इसका मतलब सेल्फ वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो यूनिट वेट को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला बन गया 1/2 बी एच एस सी गामा डब्ल्यू, ठीक है, बी एच एस सी गामा डब्ल्यू, ठीक है। चलो अब रिजर्वायर फुल की बात करें, तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें हमारा सेम वही केस आ जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, ये आ गया आपका मिडल थर्ड रूल वाला। इस केस में जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स थी वो कहां से पास कर रही थी, आउटर मिडल थर्ड पॉइंट से, राइट, आउटर मिडल पॉइंट इस पॉइंट से। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, इन दिस कंडीशन ऑल्सो, in order to ensure that no tension is developed comma the resultant kinka, in tino forces ka resultant must pass through outer middle third point, ठीक है ना। अब ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, outer middle third point, राइट, क्लियर है चीज। इसका मतलब let's suppose this is my elementary profile, ठीक है, let's suppose this is my elementary profile। अब इसमें क्या है, आपकी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसमें क्या आपकी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी, ये आ गई आपकी पी एच वाटर प्रेशर, राइट, ये आ गई आपकी कौन सी आ जाएगी, ये आ गई सेल्फ वेट, दिस इज डब्ल्यू, एंड सिमिलरली ये आ जाएगी आपकी इधर से नीचे से ऊपर, कौन सी आ गई, ये दिस इज योर अपलिफ्ट फोर्स,
दिस इज योर अपलिफ्ट फोर्स राइट. अब क्या कह रहे हो, कह रहे कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा इट मस्ट पास थ्रू आउटर मिडल थर्ड पॉइंट. मतलब लेट सपोज दिस इज द सेंटर, यह आ गया आपका एक b by 3 पॉइंट और यह आ गया आपका दूसरा b by 3 पॉइंट. राइट क्लियर है. यहां से यहां तक b by 3, ये थोड़ा छोटा बड़ा बना है पर ये ध्यान रखना है सारा b by 3, ये तीन से आगे. तो वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है इन तीनों का इट शुड पास थ्रू आउटर मिडल थर्ड पॉइंट. कौन सा वाला? ये पॉइंट. लेट्स सपोज इसको हम a कंसीडर करते हैं. तो कह रहा है जो इनका रिजल्टेंट है इन तीनों फोर्सेस का वो इधर से पास करना चाहिए. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द रिजल्टेंट. लेट्स सपोज दिस इज द रिजल्टेंट. दिस रिजल्टेंट शुड पास फ्रॉम आउटर मिडल थर्ड पॉइंट. मतलब ज्यादा से ज्यादा अंदर हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये रिजल्टेंट अंदर की तरफ है, इस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं. बस ए से बाहर नहीं जाना चाहिए. बाहर गया तो क्या हो जाएगा, वो आपका सिग्मा मिनिमम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सिग्मा मिनिमम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, चलो अब एक चीज करते हैं. लेट सपोज हम करते हैं मोमेंट अबाउट ए. ए पॉइंट कौन सा है? दिस इज योर मिडल थर्ड पॉइंट. समेशन मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो. ठीक है, समेशन मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो. तो क्या क्या फोर्सेस बनेंगी हमारे, कैसे निकलेगा बताओ. W into b by 3. पहले p से स्टार्ट करते हैं. p क्या? क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे. ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो ph क्या है? क्लॉकवाइज है. ph plus w. पहले ph की बात करेंगे. ph की ph into ये कहां पे एक्ट करेगी? h by 3 पे. लेट्स सपोज ये टोटल हाइट कितनी है? लेट्स सपोज ये टोटल हाइट अगर h है तो ph एक्ट करेगी h by 3 पे. ठीक है ना, तो a से जो ये डिस्टेंस है वो तो h by 3 ही रहेगा. जो ये a से डिस्टेंस है वो तो h by 3 ही रहेगा. तो ph into h by 3 और अब बात करेंगे w की. w कहां पे एक्ट कर रहा है? b by 3 पे. तो that means w का a से डिस्टेंस कितना होगा? सामने बना है, ध्यान से देखो. b by 3 यार. देखो w एक्ट कर रहा है यहां पे. w एक्ट कर रहा है b by 3 पे. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ये भी b by 3 ही है. u into b by 3 तो u into, बस का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? b by 3. u into b by 3 equal to 0. क्योंकि ये clockwise है इसलिए पॉजिटिव ले लिया. अब आपके पास ph की भी वैल्यू है, w की भी वैल्यू है और u की भी वैल्यू है. सब्स्टिट्यूट करो, सिंपलीफाई करो, देखो क्या बनता है. हमारे पास देखो इधर, हमारे पास w की भी वैल्यू है, p की भी वैल्यू है और u की भी वैल्यू है. ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो आपका क्या सॉल्यूशन बनता है. राइट, पी की जगह क्या आता है? 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर इनटू एच बाय 3 माइनस डब्ल्यू की जगह आता है आपका 1/2 बी एच एस सी इनटू गामा डब्ल्यू इनटू बी बाय 3 प्लस यू की जगह क्या याद आएगा? 1/2 सी बी गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू बी बाय 3 इक्वल टू जीरो. राइट, यहां पे आपका ये 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट,
ये गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, और ये एक एच और ये एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, ये थ्री थ्री और थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, बचा क्या, बचा क्या, दिस इंप्लाइज एक बचा यहाँ पे हमारा एच स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा एस सी और ये एक बी और एक ये बी, ये बचा आपका एस सी बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हमारा ये एक सी एक बी और एक बी, तो प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सी बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है, तो ये बन गया हमारा दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये क्या बना आपका, ये क्या बन गया आपका सी माइनस सी माइनस एस सी इक्वल टू जीरो, सी माइनस एस सी इक्वल टू जीरो राइट, क्लियर है, ये ध्यान से देखना, सही लिखा मैंने, माइनस उधर प्लस उधर ठीक है, उसको उधर ले जाएंगे एस सी माइनस बी हो जाए, नहीं माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है सर, प्लस आएगा बी स्क्वायर, अगर मैंने प्लस आएगा प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन किया हाँ प्लस बी स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, ऐसे कंफ्यूजन होगी बाद में ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी, उस साइड लेते हैं एस सी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर राइट, इक्वल टू के उस साइड लेंगे राइट, तो दैट मींस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अब आ गया आपका एस सी माइनस सी, एस सी माइनस सी, और दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एस सी माइनस सी, और दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जाएगा, एच तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, b is equal to h square root sc minus c, ये आ गया आपकी, what is this, this is the minimum width of dam for reservoir full condition ठीक है, this is the, ध्यान से देखना formula, ध्यान से देखना, b is equal to h upon square root sc minus c, which is the minimum width of dam for reservoir full condition, रिजर्वायर फुल कंडीशन, अगर मुझे इस विड्थ को और काम करना है ठीक है, अगर मुझे इस विड्थ को और काम करना है मैं क्या कर सकता हूं, हाइट भी कम करनी पड़ेगी, बताओ, नहीं हाइट इज फिक्स, हाइट को नहीं काम कर सकते, नहीं देखो, अगर मुझे को इंक्रीज करना पड़ेगा, हाँ अगर मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू को काम करना है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर इंक्रीज करना, डिनोमिनेटर कैसे इंक्रीज, देखो SC जो है SC, this is the unit, this is the specific gravity, जो भी मटेरियल है, specific gravity fix है भाई, वो चेंज नहीं हो सकती, हम अपलिफ्ट फोर्स को हम काम कर सकते हैं ठीक है ना, हम अपलिफ्ट फोर्स को काम कर सकते हैं, तो अपलिफ्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अपलिफ्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, अगर हम इसको अपलिफ्ट फोर्स को अगर हम जीरो कंसिडर कर लें, अगर हम अपलिफ्ट फोर्स को जीरो कंसीडर करें, इफ सी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, देखो जीरो है नहीं है, हम सिर्फ जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन एस सी, बी इज इक्वल टू या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बी मिनिमम इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट एस सी, बी मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट एच अपॉन स्क्वायर रूट एस सी, एंड फॉर कॉन्क्रीट एस सी इज इक्वल टू
2.4, SC is equal to 2.4. ठीक है, तो that means B minimum is equal to H upon square root 2.4. वो इसको सिंप्लीफाई करके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा B minimum is equal to 0.645 H. B minimum is equal to 0.645 H. इसको ले लो A. ठीक है ना, ये क्या है, what is this? This is, ये हमने किस कंडीशन के लिए देखा, जब हम चाहते हैं जब हमारी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये हमने किसके लिए कंसीडर किया, नो टेंशन के लिए, राइट? तो दैट मींस फॉर नो टेंशन, दिस इज फॉर नो टेंशन, मिनिमम विड्थ फॉर नो टेंशन. ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, इसमें सेकंड बात करते हैं, if sliding of dam is to be prevented, if sliding of dam is to be prevented, ठीक है, इस केस में क्या होगा, mu summation vertical forces should be greater than equal to समेशन एच, यही होगा, राइट? सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, म्यू टाइम्स सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच. अब वर्टिकल फोर्सेस यहां पे दो है हमारी, एक डब्ल्यू है और एक यू है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, दैट मींस म्यू टाइम्स डब्ल्यू माइनस यू शुड बी ग्रेटर देन समेशन एच, should be greater than summation H. Right? अब आपको horizontal force हमें पता है कौन सी है हमारे पास, अब horizontal force की जगह मैं ये लिख देता हूँ, horizontal force हमें पता है कौन सी है, horizontal force है हमारी एक ही है, that is PH. अब आपको W की value भी है, U की भी है, PH की भी है, substitute कर दो यहाँ पे, that means W आ गया आपका 1/2 BH SC gamma W minus mu भी, U भी आपको पता है 1/2 CB gamma W H should be greater than equal to PH भी आपको पता है 1/2 gamma W H square, 1/2 gamma W H square, क्या क्या cancel out हो जाएगा, 1/2 cancel out, ये gamma W cancel out, right? एक H और एक H cancel out. तो हमारे पास बचा क्या ultimately? हमारे पास बचा क्या? This implies mu. एक B बचा, एक SC बचा. mu B into SC minus यहाँ पे क्या बचा? CB. C बचा और एक B बचा minus CB should be greater than equal to यहाँ पे सिर्फ बचा एक H. should be greater than H. और अब मैं यहाँ से B अगर common निकालूँ, B अगर यहाँ से common निकालूँ, तो ये क्या बचा मेरा? B mu. Mu B SC minus C should be greater than equal to H. Or B should be greater than equal to H upon mu SC minus C, right? और critical condition क्या बन गई? और equilibrium condition के लिए मैं क्या लिख देता हूँ? B should be equal to H upon mu SC minus C. और अगर मुझे B minimum चाहिए, अगर मुझे B की value को minimum करना है, तो मतलब denominator बड़ा करना है, इसका मतलब C को मैं zero consider करूँ, C को फिर से zero consider करूँगा, ठीक है ना? If C is considered to be zero,
दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, बी मिनिमम इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू एस सी, एच अपॉन म्यू एस सी, राइट राइट। अगर मी की म्यू की वैल्यू 0.7 ले लें और एस सी की वैल्यू 2.4 ले लें, तो दैट मीन्स मेरा जो बी मिनिमम आ जाएगा, बी मिनिमम इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0.595 एच, बी मिनिमम इज इक्वल टू 0.595 एच, इसको ले लो बी। दिस इज फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास बी मिनिमम की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ नो टेंशन और दूसरी आ गई फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ नो स्लाइडिंग, ठीक है। एक नो स्लाइडिंग की वजह से भी आ गई और एक किससे आ गई, नो टेंशन की। अब लेनी कौन सी है, कौन सी लेनी है बताओ, नो स्लाइडिंग, इसमें से कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे। देखो कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो लेट सपोज हमें क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम मतलब बी की सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। अब लेनी कौन सी है हमने, ठीक है, लेट सपोज विद रिस्पेक्ट टू टेंशन, विद रिस्पेक्ट टू टेंशन हमारी वैल्यू आती है लेट सपोज 5 meters, और विद रिस्पेक्ट टू नो स्लाइडिंग हमारी वैल्यू आती है 4 meters, हमारी वैल्यू आती है 4 meters, ठीक है। अब कंसिडर कौन सी करेंगे, इन दोनों में से, ध्यान रखना, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट शुड बी कंसीडर्ड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। इसका मतलब हमारे पास बी मिनिमम के दो केस आ गए, इट इज इक्वल टू 0.645 एच और 0.595 एच। अब हमने लेना है टेक दी मैक्सिमम वैल्यू। देखो बी मिनिमम मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब है कि कम से कम बी की इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। बी मिनिमम का मतलब क्या, मतलब समझो, बी मिनिमम मतलब कम से कम इतनी वैल्यू, इसका मतलब समझो, बी मिनिमम मतलब एटलीस्ट इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेट सपोज एक से मेरी 5 meter आती है, एक से मेरी 4 meter आती है, मतलब कहने का मतलब क्या, बी की कम से कम वैल्यू 5 होनी चाहिए और कम से कम वैल्यू 4। देखो ज्यादा हो चलेगी, ध्यान सुनना, ज्यादा हो चलेगी लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो अगर मैं बी की वैल्यू 4 meter कंसिडर कर लेता हूँ, अगर बी की वैल्यू 4 meter कंसिडर कर लेता हूँ तो ये 5 meter सेटिस्फाई तो नहीं कर रही, 5 meter को सेटिस्फाई तो नहीं कर रही। और वहीं अगर मैं बी की वैल्यू 5 लेता हूँ कि कम से कम 5 तो होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 4 क्या हो रहा है आपका, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, पूरी इंजीनियरिंग में किसी की भी, अगर आपको 2-3 वैल्यूज गिवन है और आपको कोई मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो उसमें ध्यान रखना जो तीनों चारों वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर ये चीज। तो हमारी जो बी मिनिमम है, हमारा जो बी मिनिमम है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ध्यान रखना, जो इनमें से मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी ए और बी में से, वही आपने क्या लेनी है, बी मिनिमम। और जनरली आपको यहीं से समझ भी आ रहा है, जनरली मिनिमम वैल्यू हम कौन सी लेंगे, मैक्सिमम किसमें मिलेगी, ए में मिलेगी बी में मिलेगी, हाइट तो फिक्स है। तो जनरली जो आपका ए वाली वैल्यू है, जनरली जो मिनिमम विड्थ इज गवर्न्ड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना, द मिनिमम वैल्यू बी मिनिमम इज गवर्न्ड बाय 0.645 एच, ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको, ठीक है। जो हमारी मिनिमम वैल्यू है इट इज गवर्न्ड बाय 0.64। देखो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, कि कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए,
कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं 4 मीटर ले लेता हूं, अगर मैं 4 मीटर लेता हूं, लेट सपोज मैंने 4 मीटर के लिए डिजाइन कर लिया, लेकिन फॉर नो टेंशन मेरे को कितनी चाहिए थी, 5 चाहिए थी। ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट सपोज मैंने अपना डैम डिजाइन कर दिया, मेरी यहां से वैल्यू आई, इससे वैल्यू आई मेरी 4 मीटर और इससे वैल्यू आई मेरी 5 मीटर। मैं डिजाइन कर दिया 4 मीटर के लिए, मैंने डिजाइन कर लिया 4 मीटर के लिए, पर क्या अब ये टेंशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या अब ये टेंशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो 5 मीटर चाहिए थी, राइट? उसके लिए तो 5 मीटर चाहिए थी। और वहीं अगर मैं 5 मीटर के लिए डिजाइन करता हूं, अगर मैं 5 मीटर के लिए डिजाइन करता हूं, तो ऑटोमेटिकली 4 मीटर को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ऑटोमेटिकली 4 मीटर को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर ये चीज? अभी बताओ इसको, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट? राइट, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने अब देख लिया आपका मिनिमम वेट्स की कंडीशन, आपकी दोनों केसेस लेके, टेंशन भी लेके और स्लाइडिंग भी लेके। ठीक है, तो अब लास्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने रिजर्वॉयर एम्प्टी के लिए तो स्ट्रेसेस निकाल लिए थे, हील पे आया 2W/B और टो पे आया 0, हील पे आया 2W/B और टो पे आया 0। अब यहां पे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम फुल कंडीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? हाँ, ये इसी के अंदर रिजर्वायर फुल के अंदर ही आपका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस, राइट? तो हमारा सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम किसके बराबर होगा? समेशन वी बाय बी इनटू 1 प्लस माइनस 6 ई बाय बी, 1 प्लस माइनस 6 ई बाय बी, राइट? और समेशन वी किसके बराबर होगा? सेल्फ वेट माइनस अपलिफ्ट फोर्स, सेल्फ वेट माइनस अपलिफ्ट फोर्स, राइट? अब मैं एक चीज बताओ, अब यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस किस कहाँ पे होगा? अब मुझे बताओ मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा कहाँ पे होगा, टो पे होगा कि हील पे होगा? रिजर्वॉयर एम्प्टी कंडीशन में तो हमने देखा हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस था दैट वाज एट हील एंड मिनिमम वाज एट टो। क्यों? क्योंकि वहां पर रिजल्टेंट फोर्स वाज पासिंग फ्रॉम मिडल थर्ड आउट, इनर मिडल थर्ड, यहां से हमारा रिजल्टेंट फोर्स सर इसमें टो पे होगा। एग्जैक्टली यहां पे टो पे होगा। क्यों टो पे क्यों होगा? क्योंकि अब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आउटर साइड शिफ्ट हो गया ना हमारा आउटर। एग्जैक्टली हमारा रिजर्वायर फुल कंडीशन में हमारा जो रिजल्टेंट है वो आउटर मिडल थर्ड पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, वो आउटर मिडल थर्ड पॉइंट पे। तो दैट मींस अब हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा दैट विल बी एट टो, दैट विल बी एट टो। ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन होती है आपके एम्प्टी कंडीशन और फुल कंडीशन में। एम्प्टी में याद रखना मैक्सिमम इज एट हील और फुल में मैक्सिमम इज एट टो, मैक्सिमम इज एट टो। तो दैट मींस अब ध्यान से देखो यहां पे दैट मींस ठीक है, सिग्मा मैक्स कहां पे आ गया अब आपका? टो के ऊपर। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू समेशन वी बाय बी 1 प्लस 6 बाय बी, और इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? बी बाय 6 इसेंट्रिसिटी आ गई, बी बाय 6, राइट? तो ये 6 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 समेशन बी बाय बी, ये आ गया सिग्मा टो। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्मा मिनिमम की। सिग्मा मिनिमम की कहां पे होगा? हील के ऊपर, वो आ गया समेशन वी बाय बी 1 माइनस 6 बाय बी इंटू बी बाय 6, 6 6 गया, बी बी गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। देखो अब रिवर्स हो गया, जो चीज आपकी पहले टो पे थी वो हील पे आ गई, और हील पे थी वो टो पे आ गई। ठीक है ना, अब देखो रिजर्वायर फुल कंडीशन पे आपका हील के ऊपर,
हील के ऊपर जो स्ट्रेस है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है बड़ी फुल और एम्प्टी कंडीशन में। पेपर में जब आया था तो फिर याद ही नहीं रहता है कि फुल क्या, फुल में क्या था और एम्प्टी में क्या था, ठीक है। तो ये आ गई आपकी जीरो। अब सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, अब सिग्मा मैक्स जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब सिग्मा मैक्स किसके बराबर है, या सिग्मा टो की बात करूं, सिग्मा टो इज इक्वल टू ट्वाइस, इज इक्वल टू ट्वाइस समेशन वी बाय बी, बट समेशन वी किसके बराबर है, डब्ल्यू माइनस यू, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टू बाय बी इंटू डब्ल्यू माइनस यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू, राइट राइट। अब W की भी वैल्यू पता है और मुझे U की भी वैल्यू पता है। W किसके बराबर है, W किसके बराबर है, 1 by 2 into B H S C gamma W, और U किसके बराबर है, 1 by 2 C B, 1 by 2 C B gamma W into H, gamma W into H, right? क्लियर है चीज। तो यहां से ये 1 by 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 और 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये b कॉमन आ जाएगा, b b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये आउट है, तो बचा क्या हमारा, दिस इंप्लाइज टो इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ गया यहां से, गामा w कॉमन और ये h और h कॉमन, तो ये आ गया सिग्मा 2 इज इक्वल टू गामा w h इनटू एस सी माइनस सी, राइट राइट। क्लियर है चीज। ये आ गया हमारा स्ट्रेस एट टो, गामा डब्ल्यू एच, गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी, गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, राइट। और टो के ऊपर स्ट्रेस क्या था आपका, टो के ऊपर हम स्ट्रेस लेते थे, ये आ गया सिग्मा मैक्स या फिर सिग्मा वी is equal to sigma tau is equal to gamma w h s c minus c, ठीक है, sigma max और sigma v is equal to sigma tau is equal to gamma w h s c minus c, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आया है, ध्यान रखो, ये आया है maximum stress at tau, this is not your maximum stress, maximum principal stress नहीं है। maximum stress हमारा किसके बराबर था, sigma 1 is equal to सिग्मा वी sec स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस सिग्मा टू, सिग्मा टू tan स्क्वायर अल्फा, ये हमने राइट, ये मोड ऑफ फेलियर में हमने देखा था, हमने अभी देख लेते हैं, मोड ऑफ फेलियर में हमने ये चीज ऑलरेडी देखी है। ये आ गया आपका सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी sec स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा टू tan स्क्वायर अल्फा, और सिग्मा टू क्या था, कोई मेरे को बता सकता है सिग्मा टू क्या था, जो टेल वाटर की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा था, सिग्मा टू क्या था, ध्यान से देखो, सिग्मा टू क्या था आपका, सिग्मा टू वॉज स्ट्रेस ड्यू टू टेल वाटर प्रेशर, टेल वाटर प्रेशर, बट एलिमेंट्री प्रोफाइल में तो हम टेल वाटर को कंसिडर करते ही नहीं है, हम एलिमेंट्री प्रोफाइल में टेल वाटर को तो कंसिडर करते ही नहीं है। दैट मीन्स सिग्मा टू क्या हो गया, जीरो हो गया। That means sigma 1 is nothing but sigma v sec square alpha, sigma v sec square alpha, और sigma v की value हमने अभी ऊपर निकाली gamma w h s c minus 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sigma v की जगह gamma w h s c minus c, और sec square alpha की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 plus tan square alpha, 1 plus tan square alpha, right? 1 plus tan square alpha, right? Clear it is, right? That means sigma 1 is equal to gamma wh sc minus c upon 1 plus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha, where, अब ध्यान से देखना, where alpha क्या आ गया आपका, alpha क्या आ गया, alpha is हमारा, This is इसको अगर मैं ऐसे ले लूं, this is your alpha, या फिर this is your alpha, और tan alpha किसके बराबर, tan alpha किसके बराबर हो जाएगा सर, h by b, tan alpha किसके बराबर,
नहीं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अल्फा ये ऊपर है, दिस इज योर अल्फा, तो ये बी बाय एच होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट बी बाय एच, राइट, ये किसके बराबर होगा, बी बाय एच के बराबर। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी इंटू वन प्लस टेन अल्फा बी बाय एच, तो टेन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब हमारा, मेरा बी किसके बराबर था, फॉर नो टेंशन, बी किसके बराबर था, फॉर नो टेंशन बी वॉज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, सी माइनस सी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी बाय एच इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, राइट, राइट सर, और इसकी अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एस सी माइनस स्क्वायर रूट, खत्म हो जाएगा, राइट, तो इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या बना मेरा, सिग्मा वन इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी इंटू वन प्लस वन अपॉन एस सी माइनस सी, वन अपॉन एस सी माइनस सी, राइट, एलसीएम लो, सॉल्व करके देखो क्या आता है, याद आएगा, सिग्मा वन इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी इंटू एलसीएम आ गया आपका एस सी माइनस सी, ये आ गया एस सी माइनस सी प्लस वन, ये एस सी माइनस सी, ये एस सी माइनस सी कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच इंटू एस सी माइनस सी प्लस वन, एस सी माइनस सी प्लस वन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सिग्मा वन इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी प्लस वन। देखो थोड़ा सा ही फर्क है, आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस एट टो था वो क्या था, गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी, मैक्सिमम स्ट्रेस एट टो क्या था, गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी, और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो आ गया गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस वन, वो आ गया प्लस वन, ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया, आपका स्ट्रेस सेट टो निकाल लिया, स्ट्रेस सेट हील निकाल लिया जो कि जीरो है, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी प्लस वन, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें पता है जीरो है क्योंकि टेल वाटर प्रेजेंट रही है। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की, अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस किसके बराबर था, हमने देखा था सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू टेन एल्फा, टेन एल्फा, अब क्योंकि टेल वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये जीरो हो गया, तो ये बन गया आपका सिग्मा वी टेन एल्फा, सिग्मा वी टेन एल्फा, सिग्मा वी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, सिग्मा वी की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली, सिग्मा वी किसके बराबर है, सिग्मा टो के बराबर है गामा डब्ल्यू एच एस सी माइनस सी, तो ये आ गया आपका गामा डब्ल्यू एच इंटू एस सी माइनस सी, और टेन अल्फा किसके बराबर आ गया, बी बाय एच के बराबर, टेन अल्फा बी बाय एच के बराबर, और बी बाय एच किसके बराबर है, वन अपॉन स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच इंटू एस सी माइनस सी इंटू वन बाय स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, स्क्वायर रूट एस सी माइनस सी, ठीक है। तो हमने रिजर्वॉयर डिवाइडेड बाय टू सर, टाउ मतलब सिग्मा वी माइनस सिग्मा टू टैन अल्फा बाय टू होता है ना, नहीं नहीं वो टू थोड़ी होता है, वो टू हमने सिंपलीफाई किया था ना, हमने देखो जरा कहां हमने किया हुआ, ये है हमारा सॉरी मोड्स ऑफ फेलियर में, मोड्स ऑफ फेलियर में मैंने सिंपलीफाई के दिखाया भी था आपको, ये देखो ये था ना सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय साइन टू अल्फा था ना, इसको फिर हमने सिंपलीफाई किया था, ये टू और टू कैंसिल, राइट, यस यस, चलो ओके।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, this is your shear stress when reservoir is full, ठीक है। तो हमने reservoir empty की भी सारी condition देख ली, सारे stress निकाल लिए और reservoir full के लिए हमने सारे निकाल लिए। Next बात करते हैं, last है आपका high and low gravity dam, ठीक है। Height कैसे decide करनी है dam की, ठीक है। Your last topic is ऊपर करना high and low gravity dam, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, एक मिनट ऊपर ऊपर चेक करना। हाँ ठीक है, और ऊपर नहीं, बस ठीक है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम हाई एंड लो ग्रेविटी डैम की, ठीक है। एक इसके लिए सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। पहले बात करेंगे for dam not to fail in compression, क्या कंडीशन हमने चेक की थी, हमने क्या बोला था कि that your compressive compressive strength of concrete should be greater than or equal to sigma 1 or इसको मैं लिख देता हूँ, sigma 1 should be less than or equal to fc, compressive strength of concrete sigma 1 की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली, गामा डब्ल्यू एच इंटू एस सी माइनस सी प्लस वन, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गामा डब्ल्यू एच इंटू एस सी माइनस सी प्लस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ सी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और एच को मैं इधर रखूँ, और एच शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ सी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एस सी माइनस सी प्लस वन, एस सी माइनस प्लस सी वन, राइट। अगर देखो, ध्यान रखो, अगर एच की वैल्यू इफ एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ सी अपॉन गामा डब्ल्यू एस सी माइनस वन प्लस वन, दैट मीन्स इट इज अ लो ग्रेविटी डैम, दैट मीन्स इट इज अ लो ग्रेविटी डैम। और वही अगर एच की वैल्यू से बड़ी हो जाती है, if h is less than or equal to fc upon gamma dc, it is a low gravity, else it is a high gravity dam, else it is a high gravity dam, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी डैम्स की चेक करने के लिए, ये कंडीशन है हमारी डैम की हाइट चेक करने के लिए, ठीक है ना। और अगर आप गामा की वैल्यू, अगर आप एफसी की वैल्यू, इफ एफसी इज टेकन इज इक्वल टू 3000 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2.4 एंड सी इज इक्वल टू 0, तो आपकी एच की वैल्यू आती है 24 मीटर के आसपास आती है, अप्रोक्सीमेटली व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 90 मीटर्स। तो मतलब 90 मीटर हम क्राइटेरिया लेते हैं हाई और लो को स्पेसिफाई डिफरेंशिएट करने का। जो जिन डैम्स की हाइट 90 मीटर या 90 मीटर से कम है उनको हम लेते हैं क्या आपके लो ग्रेविटी डैम, और जिनकी हाइट 90 से ज्यादा है उन्हें हम लेते हैं हाई ग्रेविटी डैम। तो 90 मीटर हम एक क्राइटेरिया लेते हैं आपका क्या डैम्स की आपको क्या करने का हाइट को डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। अगर आपकी डैम की हाइट 90 मीटर से कम है उसे हम लेते हैं लो ग्रेविटी डैम, और 90 से ज्यादा है उसे हम लेते हैं हाई ग्रेविटी डैम, ठीक है। और वो किस क्राइटेरिया पे है, वो इस क्राइटेरिया पे, अगर एफ सी को हम 3000 ले, एस सी को 2.4 और सी को 0 ले,
ठीक है एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ग्रेविटी डैम, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ग्रेविटी डैम ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, एलिमेंट्री प्रोफाइल मेड ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेड ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2.5 मैक्सिमम ऑफ मेड ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल 2.5 एंड अलाउएबल स्ट्रेस 2.5 and allowable stress of 3.87 and allowable stress of 3.87 MPa, allowable stress ठीक है, FC की वैल्यू कितनी गिवन है, FC is equal to 3.87 MPa without considering the uplift force, without considering the uplift force is ठीक है, ऑप्शन ए 113 मीटर, ऑप्शन बी 217 मीटर, ऑप्शन सी 279 मीटर या ऑप्शन डी 325 मीटर, 325 मीटर ठीक है, करो जरा सॉल्व, इसमें सी को जीरो लेना, ध्यान रखना, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया है ये क्वेश्चन, हां सर एक बार देखो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ लो ग्रेविटी डैम ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ कंक्रीट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 ऑफ स्पेसिफिक 2.5 एंड सेफ अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ 3.87 MPa, सेफ अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ 3.87 MPa विदाउट कंसिडरिंग द अपलिफ्ट फोर्स इज अबाउट ऑप्शन आपको पता है ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, H आपने निकालना है, H इज इक्वल टू एफ सी अपॉन गामा डब्ल्यू
एस सी माइनस सी प्लस वन. अब अपलिफ्ट फोर्स ने बोला कंसीडर नहीं करो, तो आपका सी क्या हो गया, जीरो. ठीक है, अब देखो यूनिट्स का, यूनिट्स का सारा फंडा है यार. हाँ, ए ऑप्शन है, यूनिट्स का सारा फंडा है. एफ सी हमें क्या गिवन है, एफ सी इज इक्वल टू 3.87 MPa और 3.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये mm में है. यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं. राइट राइट, यूनिट वेट क्या हो गया, गामा इज इक्वल टू रो जी, जिन्होंने एफएम पढ़ा उनको पता होगा, या सॉइल जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा. यूनिट वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू जी. डेंसिटी आ गई वाटर की 1000, जी को भी अगर आप 10 ले लो, जी को भी 10 ले लो, तो ये आ गया 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट, पर हमें एफ सी एमएम स्क्वायर में गिवन है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट, क्या करेंगे, एमएम को थाउजेंड से डिवाइड करेंगे, या फिर एमएम स्क्वायर को 10^6 से डिवाइड करेंगे. तो इसको नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड करके चला जाएगा ऊपर. तो दैट मींस एफ सी इज इक्वल टू 3.87 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब करो सॉल्व, एफ सी आ गया 3.87 इंटू 10^6 अपॉन गामा डब्ल्यू है आपका 1000. एस सी कितना है आपका, कितना गिवन है आपका, सेल्फ वेट 2.5 प्लस 1, क्योंकि सी जीरो है. ये तीन जीरो खोजेंगे, बचेगा 3, तो ये आ गया 3.87 इंटू 1000, वो हो गया 3870 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 1, 3.5. अब 3870 को 3.5 से डिवाइड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 33.5 इंटू 100 कितना हो गया, 3500. मतलब 100 के आसपास आंसर आएगा, 100 से थोड़ा ज्यादा. ठीक है ना, सीधी सी बात है, 3.5 इंटू 100. राइट, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 350. राइट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3870 डिवाइडेड बाय 3.5. राइट, नहीं यहाँ पे कुछ शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है हमारा, ये सॉरी, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर 10,000 है. हाँ, ये यहाँ पे ये 10,000 है, सॉरी, ये आपके 10,000 है यूनिट वेट ऑफ वाटर. 1, 2, 3, 4, ये 4 जीरो गए, तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 जीरो बचेंगे, ये 2 जीरो बचेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 387. ठीक है ना, 387. तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 300, 350. तो ये 100 के आसपास आंसर आएगा. तो 100 के आसपास आपका, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 100 के आसपास एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर 113 मीटर. तो ये आ जाएगा आपका 113 meters. ठीक है, क्लियर है चीज सबको, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स का, एमपीए मतलब न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर, एमपीए मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसको पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको पता है 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हम क्वेश्चन में हम इजियर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको 10,000 लेके सॉल्व करते हैं. तो 10,000 लेके सॉल्व किया, तो ये आ गया आपका 113 मीटर. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो होपफुली आपको सारा समझ आया होगा, ये समझ आया होगा आपको सारा.